आज दोस्तों स्वागत है आपका, मैं हूँ अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुगाड़ स्पीड टेक्नोलॉजी। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप 8 मॉड्यूलर का स्विच बोर्ड का कनेक्शन कर सकते हैं और साथ ही आपको कनेक्शन का वायर बताऊँगा कि कौन सा फेज है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा अर्थ है और उस वायर में कैसे आप थिम्बल लगा सकते हैं। थिम्बल लगाने के बाद आपको कनेक्शन करना बताऊँगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपके पूरा कनेक्शन बताता हूँ। तो ये देखिए ब्लैक तार है, इस न्यूट्रल है और ये है फेस जिस पे फेरुल लगाया गया है, जैसे पता चल सके कि कनेक्शन कहाँ से है। ठीक है, कनेक्शन पता चल जाएगा। और ये अर्थ का वायर है, तो इसमें देखिए एक फेस आ रहा है और एक इधर से दूसरा जा रहा है, तो आपको तार पता हो गया ये न्यूट्रल है, ये फेज है, ये अर्थ। अब हम आपको थिम्बल लगाना बताएंगे। ठीक है, ये 2.5 mm का तार है, तो इसको हमें पहले क्या करना है, कटर से ऐसे काट लेना है। ठीक है, ये कट गया और इसको भी ऐसे काट लेना है। ये 4 mm का थिम्बल है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों तार को ऐसे थोड़ा सा पास में करेंगे। पास हो जाने के बाद हम लोग ऐसे थिम्बल को इधर से लगा देंगे। ठीक है, एक आध वायर बाहर निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लायर की सहायता से इसको पंच करेंगे। देखिए ऐसे करना है और यहाँ से इसको ऐसे डबल पंच करना है और ताकि ये निकले ना। अब हमें जिस कलर का वायर है उस कलर का हमें टेपिंग कर देना है, तो ये ब्लैक कलर का है तो ब्लैक कलर का टेपिंग कर देते हैं। ये देखिए हो गया, तो ऐसे थिम्बल लगता है, ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए एन लिखा है, इसलिए हम कस देंगे, ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल वाले में ही कसाएगा। और ये अर्थ का लगा है पहले से थिम्बल, तो हम इसको अर्थ वाले पे कस देंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि अब आपको थिम्बल लगाना और वायरिंग कनेक्शन आ गया होगा। थैंक यू सो मच।